Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. नाज़रीन, इस वक्त मैं बशानी साहब के साथ स्काइप पर जुड़ा हुआ हूँ, बैरिस्टर हमीद बशानी का थर्ड ओपिनियन शो लेकर। चूँकि सूरत हाल इस वक्त पूरी दुनिया की, पूरे प्लानट की ये है कि हम सब अपने अपने घरों पर बैठे एक दूसरे से राबता कर रहे हैं और मेल मुलाकात की कोई गुंजाइश नहीं, तो थर्ड ओपिनियन को हम रोक नहीं सकते और बशानी साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं बशानी साहब को खुशामदेद कहता हूं। बशानी साहब, कैसी सूरत हाल है? ये थर्ड ओपिनियन क्या है? पहले तो जो सूरत हाल है, इस पर आपकी थर्ड ओपिनियन क्या बनती है? देखें जी, ये जिस तरह कोरोना वायरस की वजह से दुनिया की हर ओपिनियन बदल गई, पहली दूसरी भी, उस तरह फिर थर्ड ओपिनियन पे भी बड़ा असर पड़ा है। और बल्कि मैं ये समझता हूँ कि थर्ड ओपिनियन की जो है अहमियत ज़्यादा वाजे हुई है, क्योंकि थर्ड ओपिनियन के ज़रिए हम ये इसी तरह का एक मैसेज दुनिया को देने की कोशिश करते रहे हैं कि दुनिया में जो है वो इंसानियत के बारे में भी सोचना चाहिए, इंसान के बारे में भी, और इस तरह के हालात के बारे में, यानी कि बजट किस पे खर्च किया जाए, किन चीज़ों पे जो है वो ज़्यादा तवज्जो दी जाए, वगैरह वगैरह। तो मैं समझता हूँ कि ये अहमियत इसकी वजह से मज़ीद वाज़े हुई है कि इस पर बात होनी चाहिए। बशानी साहब, आपने कहा कि बजट किस तरह खर्च किया जाए, किन चीज़ों पर अहमियत को फोकस किया जाए, और जो थर्ड ओपिनियन है इस वक्त कोरोना वायरस पेंडेमिक के सिलसिला में, जो बातचीत ख़ास तौर पर आप अपने शो में करते हैं, कश्मीर आपके शोज़ में एक फोकल पॉइंट होता है, इसके अलावा दुनिया के इंटरनेशनल इश्यूज़ को भी डिस्कस करते हैं, मगर इस वक्त हम जब से ये कोरोना वायरस का पेंडेमिक फैला, हम देखते हैं कि इधर से पाकिस्तान के जो पास कश्मीर है, पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में, जो उसका तकरीबन हिस्सा ही है, वहाँ पर मुसलसल प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि हमें वसाइल नहीं हैं, डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और सबसे जो बड़ा ख़तरनाक एलिगेशन आ रहा है वो ये है कि वो ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि पाकिस्तान से कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज़ इधर भेजे जा रहे हैं। तो इस पर क्या आपकी गहरी नज़र है, आप क्या समझते हैं कि असल सिचुएशन क्या है? आप देखें जी, इसकी दो तीन पहलू हैं। पहली बात यह है कि ये जो कुछ लोग कर रहे हैं, ये कोई रेडिकल ग्रुप्स नहीं हैं, या सोसाइटी के कोई नाराज़ नौजवान नहीं हैं, या कोई इस तरह का कोई ख़ास नज़रिया रखने वाले लोग नहीं, बल्कि एक मेन स्ट्रीम जो सोसाइटी का हिस्सा, जिनको वो कहते हैं, मेन स्ट्रीम तो मैं उसको कहता हूँ जिसका मैंने पहले जिक्र किया, लेकिन इनको जो कहते हैं मेन स्ट्रीम, ये उसके लोग हैं। और ये आपने नोट किया होगा कि जो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने गुज़श्ता एक दो महीनों से लेके तो काफ़ी, सिर्फ कोरोना ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ हवालों से उन्होंने इस सिलसिले में बात की है, वसाइल के हवाले से, और उनके कुछ मुतालबात उन्होंने पेश किए कि जो इंटरनेशनली फंडिंग हो रही है कोरोना क्राइसिस से करने के लिए, वो हम तक नहीं पहुँच रही है। इसी तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर भी, जैसा कि आपने अर्ज़ किया कि एक तरह की एक मतालबा हो रहा है वसाइल के हवाले से, तो इससे क्या होता है, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया ना कि जिस तरह कोरोना ने हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को और बहुत बड़े बड़े लूप होल्स जो थे, बहुत बड़ी बड़ी वीकनेसेस जो थी, बहुत बड़ी बड़ी इग्नोरेंस और जो है वो इनडिफ्रेंसिस थे पॉलिटिशियंस के या हुक्मरान तबकात के, उनको बेनकाब किया। कोरोना ने बहुत लोगों को बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है बेनकाब किया, जिसमें एक ये भी था। अब ये जो सेटअप है ना आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का, पाकिस्तान के साथ जो इसकी रिलेशनशिप है, ये इसको मैं समझता हूँ कि एक तरीके से जो है वो बेनकाब कर रहा है, इसलिए कि वो अरेंजमेंट जो है वो कोई नेचुरल अरेंजमेंट नहीं है। आप दो टेरिटोरीज को चला रहे हैं जो कि बिल्कुल ही अननेचुरल तरीके से, यानी जिसके पीछे आपकी छुपी हुई मुनाफ़त जो है वो खुल के सामने आती है। वो किस तरह के, देखें
آپ کا کانسٹیٹیوشن گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے بارے میں جو کہتا ہے پریکٹس میں آپ وہ نہیں کرتے. آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے جو لوکل سیٹ اپس ہیں وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ آپ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. تو آپ نے ایک سیٹ اپ تو آن گراؤنڈ بنا کے رکھا ہوا ہے جس کو آپ یہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ایک بیسٹ پاسیبل ریلیشن شپ ہے گورنمنٹ آف پاکستان یا وفاق پاکستان کی گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے ساتھ. دوسری طرف جب آپ اس کی ڈیٹیلز میں جاتے ہیں نیٹی گریٹی میں جاتے ہیں تو آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ریلیشن شپ 80% جو ہے وہ انڈکلیئرڈ قسم کا ریلیشن شپ ہے جس کا نہ کچھ آپ کی کتابوں میں ذکر ہے نہ ہماری کتابوں میں, یعنی نہ آپ کا کانسٹیٹیوشن اس کا کوئی حدود و قیود کا تعین کرتا ہے اور نہ ہمارا. جس کی وجہ سے کیا فرق پڑتا ہے کہ جب وسائل کی تقسیم کا مسئلہ آتا ہے تو اس میں پھر آپ یہ پوزیشن لیتے ہیں کہ جی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان تو چونکہ پاکستان کا صوبہ ہی نہیں, اس کا حصہ ہی نہیں, تو اس لیے ہم ان کو ان کا جو فیئر شیئر ہے وہ کیسے دیں, چونکہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں تو لکھا ہوا ہے نا کہ ہماری جو مشترکہ مفادات کی کونسل ہے وہ بیٹھ کے تو جتنے بھی پاکستان کے صوبے اور ٹیریٹوریز ہیں ان میں وسائل کو مساوی اور منصفانہ طریقے سے تقسیم کرے گی. اب وہ جو ٹیریٹوریز ہیں ان میں جو ہے وہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان نہیں آ سکتے, اس لیے ہم ان کو ان کا حصہ نہیں دے سکتے. دس از ویری بشانی صاحب آپ کو تھوڑا سا ٹوک رہا ہوں, آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. آپ نے کہا کہ آزاد کشمیر گلگت بلتستان پاکستان کا جیسے حصہ نہیں ہے, اس طرح پاکستان کی ریاست بہیو کرتی ہے, مگر ان کا تو یہ کہنا ہے یہ اٹوٹ انگ ہیں. ابھی گلگت بلتستان کے منسٹر انفارمیشن نے بڑے دکھ سے کہا دو روز پہلے کہ جو امداد مل رہی ہے پاکستان کو اس میں سے ہمیں کچھ حصہ نہیں مل رہا. تو یہ پھر اتنا کنفیوژن کیوں ہے, اتنا ڈبل فیس کیوں ہے؟ یہی میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں اس میں سب سے بڑا فلاح کیا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے مطابق آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان جو ہے وہ اس کیٹاگری میں فائل نہیں کرتے جس میں کہ ہم جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے اس کے تحت جو ہے ہم وسائل کو ایکولی تقسیم کرتے ہیں, تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ چونکہ اس کیٹاگری میں نہیں اس لیے ہم آپ کو اس میں سے حصہ نہیں دے سکتے, نہ آپ اس اجلاس میں بیٹھ سکتے ہیں نہ آپ کو اس میں کسی طرح کی شرکت دی جا سکتی ہے. تو پھر آپ ان کو کس طریقے سے وسائل دیتے ہیں, اس کو اس کے لیے آپ ایک خیرات کا طریقہ اختیار کرتے ہیں جس کے اندر میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ کوئی لگا بندہ پرنسپل نہیں ہے, نہ کانسٹیٹیوشن میں اس کو کسی پراپر طریقے سے ڈیفائن کیا گیا ہے کہ پاکستان کی وفاقی حکومت جو ہے وہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو کس مقدار میں کس تعداد میں جو ہے وہ پیسے دے چکے. یو ڈونٹ وانٹ ٹو میک اے لیجیٹیمیٹ ریلیشن شپ, آپ نے جو ریلیشن بنائی ہوئی ہے انڈیکلیئر اور ان لیجیٹیمیٹ ہے, تو اس کی صورت میں پھر آپ نے ان کو جی 2 لاکھ دے دیا, 10 لاکھ دے دیا, 30 لاکھ دے دیا, جس کا نہ ادھر سے کوئی حساب کتاب ہے نہ ادھر سے کوئی حساب کتاب ہے چونکہ وہ کسی پراپر چینل کے ذریعے ہو نہیں رہا, جس کے نتیجے میں آ کے تو اس طرح کے مطالبات جس طرح گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ نے اٹھایا کہ جب آپ کو پیسے ملے کرونا فائٹ کرنے کے لیے فار ایگزامپل, تو آپ ان کو پھر اگر تقسیم کر رہے ہیں تو پھر سارے صوبوں اور ٹیریٹوریز میں آپ ان کو مساویانہ طریقے سے ایک فارمولے کے تحت تقسیم کریں جیسا کہ ہو نہیں رہا اور اس کا ہمیں حصہ نہیں مل رہا. یہ ایک آج کی نہیں سر, یہ ایک لانگ سٹینڈنگ قسم کی 70 ایئرز کی سٹرگل ہے جو پیپل آف آزاد کشمیر اور پیپل آف گلگت بلتستان ہیں اگینسٹ دی پالیسیز آف دی سینٹرل گورنمنٹ آف پاکستان. یہ ان کا بہت بڑا مطالبہ ہے. جواب میں ان کو یہ کہہ کے چپ کرا دیا جاتا ہے کہ جی چونکہ آپ ہمارا نہ صوبہ ہیں نہ ٹیریٹوری ہیں, آپ تو خود مختار ہیں جی, تو ہم آپ کو اس سے حصہ نہیں دے سکتے. لیکن یہ حصہ دینے کے لیے کہا جاتا ہے. جب بات دوسری طرف سے آتی ہے مثلا جو آزاد کشمیر کے وسائل ہیں, میں آزاد کشمیری ہوں نا تو میں زیادہ گہرائی سے جانتا ہوں کہ وہاں جو ٹیکسیشن کے ایشوز ہیں, منگلا ڈیم کی رائلٹی کے ایشوز ہیں, دوسرے جو چھوٹے موٹے ڈیم بنے ان کے ایشوز ہیں, زر مبادلہ جو بہت بڑی تعداد میں باہر سے آتا ہے اس کے ایشوز ہیں, بینک کے ایشوز ہیں, یہ سارے ایشوز کی جب بات آتی ہے تو اس کا چونکہ وفاق کو فائدہ ہے اس لیے وہ اس وقت یہ بات نہیں کہتے کہ آپ ہمارا حصہ نہیں ہیں. اس وقت یہ سارے وسائل بغیر کسی پیمنٹ کے اٹھا کے اپنی جیل میں ڈال دیتے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں کہ صرف ایک منگلا ڈیم کی جائز رائلٹی آزاد کشمیر کو دی جائے جس کی ٹیریٹوری پہ وہ ہے, ایک ڈیم کی میں بات کر رہا ہوں,
तो आज़ाद कश्मीर को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसके सारे जो बजट का ट्रिपल फोर्थ टाइम जो है वो वसाइल वहाँ से जमा होते हैं। अब इस ये जो डबल गेम है इसकी एक्सप्लेनेशन पाकिस्तान के हुक्मरान तबकात ये करते हैं जी कि रियासत जम्मू कश्मीर, उसके लिए लफ्ज़ वो इस्तेमाल करते हैं फार्मर स्टेट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, चूँकि एक डिस्प्यूटेड एरिया है, यूनाइटेड नेशन की करारदादें हैं, इसलिए जी हमने इसको इसी शक्ल में रखा हुआ है चूँकि हमने मसला कश्मीर हल करना है, तो इसलिए हम इसमें कोई ऐसी तब्दीली नहीं कर सकते जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता। जिसका मतलब ये है, टोकता हूँ आपको कतलामी की माफ़ी, अब तो वो डिस्प्यूटेड मसला तो पाकिस्तान की हद तक ही रह गया, भारत ने तो मुकम्मल तौर पर टेरिटरीज़ बना के, यूनियन टेरिटरीज़ बना के ये मसला ही ख़त्म कर दिया, इंटरनेशनल लेवल पर भी आलमोस्ट खामोशी से एक्सेप्ट हो चुकी है ये बात, तो इसमें फिर पाकिस्तान का ये क्लेम कैसे कायम रहेगा? नहीं, ये क्लेम जो है इसमें बहुत बड़ा तज़ाद है सर, जिसकी तरफ मैं आ रहा था, आपने उसको बड़ा अच्छा किया, हाईलाइट किया कि देखें जो कुछ इंडिया ने किया जम्मू कश्मीर के अंदर 5 अगस्त 2019 को, वो जो है वो 74 में और उससे पहले भी पाकिस्तान कर चुका था गलगित बल्तिस्तान में, जब उन्होंने गलगित बल्तिस्तान में ये डोमिसाइल लॉ वगैरह जो है वो ख़त्म कर दिया था, जिसका अब भी गलगित के लोग यही मुतालबा करते हैं कि उसको बहाल किया जाए। आज़ाद कश्मीर में तो ये 47-48 में ही हो गया था, 48 में जो माहदा कराची हुआ था उस माहदे के तहत उन्होंने आज़ाद कश्मीर की जो लोकल गवर्नमेंट थी ये बिल्कुल इसी तरह थी जैसे वहाँ जम्मू कश्मीर की थी, तो मोदी साहब ने उसमें 370 ख़त्म करके और 35 ख़त्म करके उसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया। इसी तरह आज़ाद कश्मीर की हुकूमत जो है एक नीम खुद मुख्तार हुकूमत थी, आप जैसे पढ़े लिखे आदमी को तो पता ही है कि उसका अपना वजीर दफा था, डिफेंस मिनिस्टर था, उसकी अपनी फौज थी, उसका सारा अपना सेटअप था, कोई लेना देना नहीं था। पाकिस्तान ये कह रहा था कि हम इनकी अखलाकी हमायत करते हैं, बाकी इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। वो फिर उन्होंने माहदा कराची के बाद रफ्ता रफ्ता उनकी फ़ौज को डिसमेंटल किया, उनके एक एक करके सारे इख्तियारात जो हैं वो ले लिए, लेकिन अनडिक्लेयर्ड बगैर किसी जगह के, यानी ये दुनिया की वाहिद दो टेरिटोरीज़ है जो आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान जिसके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो किसी लिखाई पढ़ाई में नहीं है, यानी उसको आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है कि आज़ाद कश्मीर से हमारा क्या ताल्लुक है, अमल में वो ताल्लुक आपका है नहीं। उसको फिर मुख्तलिफ तरीक़ों से कभी जी कश्मीर काउंसिल बना के, कभी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स बना के, तो उसको फिर एक समय लें कि इलीगल तरीके से चलाया जा रहा है। अब जब वहाँ के नौजवान डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए और लोग हो गए, जब वो अपने हुकूक का मुतालबा करते हैं तो उस वक्त फिर ये सिचुएशन सामने आती है कि इस रिलेशनशिप और बंदोबस्त के अंदर आप लोगों को हुकूक तो दिए नहीं जा सकते। गलगित बल्तिस्तान का आपको पता है ना कि पीपल्स पार्टी को वाहिद चीज़ की मैं दाद देता हूँ कि उन्होंने इस 50-60 साल पॉलिसी के बरक्स कम अज़ कम, और मैं समझता हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो बेचारी जो है उसकी ज़ाती ख्वाहिश की बुनियाद पर हुआ था कि ठीक है आप कश्मीर के उस कज़िए का डिस्प्यूट का हिस्सा हैं, आपको हम सूबा नहीं बना सकते, लेकिन कम अज़ कम आपको जमहूरी इख्तियार तो दिए जाएँ। गलगित बल्तिस्तान को 50 साल तक राइट टू वोट नहीं दिया गया कि आप कश्मीर इशू का हिस्सा हैं। कैन यू इमेजिन कि कश्मीर इशू का हिस्सा होने का मतलब ये है कि वो जिस तरह वो बस कैदी नहीं होते थे कि ये फलां बस्ते 12 बस्ते वाला कौन सा कैदी, कि एक दफ़ा वो कैद हो गया तो फिर पूरी ज़िंदगी उसकी रेपूटेशन ख़राब हो जाती थी। ये बात है कि ये चूंकि कश्मीर डिस्प्यूट का हिस्सा है इसलिए कोई हुकूक ये जो है इनका ये डिज़र्व ही नहीं करते, तो वो बेनज़ीर ने कम अज़ कम उनको राइट टू वोट दिया, और वो भी अभी तक जो है इनकम्प्लीट और अधूरा किस्म का राइट है, चूंकि अल्टीमेटली आप इसको कहते हैं ना ये जी गलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर साहब हैं तो उनके आप कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल इख्तियारात देखें क्या हैं, नन, उनके पास कोई इख्तियार है ही नहीं, वो अपने उस इलाके के वसाइल के मालिक नहीं हैं, उसके बारे में डिसीजन मेकिंग का उनके पास कोई पावर नहीं है, और वो थोड़े से दलेर आदमी हैं ये बात छुपाते भी नहीं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं आज़ाद कश्मीर के, उनको तो रोने से ही फुर्सत नहीं है कि मुझसे ज़्यादा बेबस किस्म का और लाचार किस्म का प्राइम मिनिस्टर तो पैदा ही कोई नहीं हुआ। तो ये ड्रामे हैं सर वहाँ पर, जिसकी वजह से ये कोरोना की वजह से चूँकि लोग डर गए, खौफजदा हो गए, हालांकि आज़ाद कश्मीर में कुल इस वक्त तक मेरी इतला के मुताबिक कोई 33 केसेस सामने आए हैं, इज नॉट लाइक ए ह्यूज क्राइसिस। तो कैन यू इमेजिन कि अगर वहाँ पे ह्यूज क्राइसिस आ जाएं
और कोई इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो इसका मतलब ये है कि हम तो टोटल क्लैप्स हो जाएं, हमारे पास तो कोई सेटअप ही नहीं है ना वहाँ पे। पूरे आज़ाद कश्मीर में तीन, किसी ने मुझे बताया कि वेंटिलेटर्स हैं, ये ऑक्सीजन किट्स, ये टेस्टिंग किट्स, ये कुछ भी नहीं है। हम एक पहाड़ पे जंगलों में अपने पैसे कमा के आके बाहर से, तो वहाँ पे हमने घर बना के हम उनमें रहते हैं, बाकी वहाँ कुछ नहीं है। एक जो सिविलाइजेशन होती है ना, सिविलाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम ए सिटी वेयर यू स्टार्ट बिल्डिंग द थिंग्स टुगेदर। सड़कें बनाते हैं, पानी बनाते हैं, सिस्टम, लोगों ने अपने अपने ड्रेनेज और सीवरेज के सिस्टम बनाए हुए हैं, विच इज़ ए रेसिपी फॉर फ्यूचर डिजास्टर। मैं आपको रैकेट के लिए कह रहा हूँ जी। देखिए बशानी साहब, आपने एक बड़ा अहम नुक्ता यहाँ पर भी पेश किया कि लोग अपने वसाइल से वहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से वो कन्फ्यूजन अभी तक वैसा ही चल रहा है कि ये उनका हिस्सा है या नहीं है, कहते हैं ये हमारी शहराग है, मगर वो जो लोग पाकिस्तान से बाहर या दूसरे मानों में आज़ाद कश्मीर से बाहर रहते हैं, जैसे इंग्लैंड में आप यहाँ पर हैं, तो ये तो काफ़ी मतलब अमीर लोग हैं, और उन सब की हमदर्दियाँ, अगर सब की नहीं तो बेशतर की हमदर्दियाँ तो पाकिस्तान के साथ बज़ाहिर नज़र आती हैं। क्या ये गलत परसेप्शन है मेरा, या आप क्या देखते हैं सूरत हाल को? नहीं देखें जी, पाकिस्तान के साथ हमदर्दियाँ जो हैं उनको अगर आप इस नुक्ता नज़र से देखते हैं तो उसके पीछे एक तो रिलीजन है, तो रिलीजन के हवाले से वो जो मुसलमानों में एक तसव्वुर है कि जी सब की हमदर्दियाँ सब के साथ हैं, जिसको डीपली अगर देखा जाए तो किसी की हमदर्दियाँ भी किसी के साथ नहीं है। जैसा कि अभी आपने देख लिया, ये OIC का जो कश्मीर इशू पे इन्होंने उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की, और उनकी तरफ से जो जवाब आया, सऊदी अरब का जो जवाब आया, वो उन्होंने क्लियर कर दिया बिल्कुल कि कोई इस तरह का तसव्वुर नहीं है मुसलमानी का आपस में। ये मुल्कों के मफादात हैं, और मुल्कें और कामें अपने इलाके, जोग्राफिया, तारीख से बनती हैं, इस्लाम मज़हब या उससे नहीं बनती। ये जो आज़ाद कश्मीर में कुछ लोग पाकिस्तान को पसंद करते हैं तो उनमें बस सिर्फ इतना फैक्टर है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी कामियत और अपना जो उनका एक शाखस है उसकी नफ़ी करते हैं। ये यानी एक इस तरह की हमदर्दी है जिसका कोई मटेरियल शक्ल नहीं है। ये बिल्कुल इस तरह की हमदर्दी है जिस तरह यहाँ कैनेडा का कोई आदमी जो है वो बेल्जियम या उसकी महज इस बुनियाद पे हमायत करे कि जी वहाँ भी क्रिश्चियन रहते हैं, हालांकि उनके दरमियान कोई ठोस किस्म का कोई लिंक जो है वो बनता नहीं, लेकिन आपको सिर्फ वो हमदर्दी नज़र आती है। आप देखें इंग्लैंड में हज़ारों की तादाद में ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने पूरे पूरे दिन जो है वो जुलूस निकाले होते हैं, एहतजाज के लिए सड़कों पर बैठे होते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा जो है वो जलसे जुलूस और एम्बेसी के सामने एहतजाज करते हैं, लेकिन चूँकि मीडिया जो है वो यकतरफा, आपका पता ही है कि पाकिस्तान का मीडिया जो है उर्दू मीडिया उसका कितना एक हदूद है और क्या चीज़ है, तो वो अपनी मर्ज़ी की एक चीज़ पेंट करके पेश करते हैं कि जी आज़ाद कश्मीर में, बल्कि जम्मू कश्मीर में तो 99% लोग प्रो पाकिस्तानी हैं। हालांकि आपने पोल्स देखे होंगे, इंटरनेशनल पोल्स जो गैर जानबदार पोल्स हुए हैं, उसमें लोग कहते हैं कि वहाँ जी तो 95% लोग आज़ादी के हक में। तो इस तरह जो है ये एक मिसगाइडिंग किस्म का एक तसव्वुर जो है ना वो पेश किया जा रहा है। अच्छा बशानी साहब, यहाँ पर एक और अहम बात है, ख़ासतौर पर कोरोना वायरस पेंडेमिक के सिलसिला में जैसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और आज़ाद कश्मीर में लोगों का एक अपना ग्रीवियंसेस है टूवर्ड्स पाकिस्तान, फिर वो रहते हैं बॉर्डर पर और उनको ये नज़र आता है कि बॉर्डर के उस पार बड़ी तब्दीलियां भी आ चुकी हैं और उस पार के जो उनके ही रिश्तेदार हैं या तल्लक वाले लोग हैं, या चलिए ये भी कह लें कि उम्मा के लोग हैं, वो उस तरह के मसाइल का शिकार नहीं हैं, और अब कोरोना वायरस पेंडेमिक में उनको महरूमियों का शदीद एहसास हो रहा है पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर की जानिब से, तो क्या आपको लगता है कि ये कोई एक तरह की मूवमेंट के तौर पर आगे बढ़ेगा? क्योंकि हमने 5 अगस्त 2019 के बाद देखा कुछ ऐसी फोर्सेस नज़र आईं पाकिस्तान वाले आज़ाद कश्मीर की तरफ से जो आज़ादी की बात करने लगे, क्या वो इस पोजीशन में होंगे या इस मूवमेंट को आगे बढ़ा पाएंगे? आपकी क्या नज़र है सारे मामले पर? देखें आज़ाद कश्मीर में जो एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे नौजवानों की है और ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं, तकरीबन 40 से ज़्यादा ग्रुप हैं जो कि इस तरह की सोच रखते हैं आज़ादी की, ये जो आपने नारे सुने थे 5 अगस्त को,
ये वो मुस्तकिल बुनियादों पे बहुत अरसे से गुज़श्ता 30-40 साल से इस तरह की वहाँ पे स्ट्रगल हो रही है और उसके मुख्तलिफ फेजेस से वो गुजरती रही है। लेकिन वो जो बाहर ये बात लोगों को इसलिए पता नहीं थी कि पहले मीडिया इस तरह नहीं था, यानी सोशल मीडिया नहीं था, और वहाँ पे क्या हो रहा है, लोग किस तरीके से जदोजहद कर रहे हैं, उनके ख्यालात क्या हैं, इस बात कम अज़ कम पाकिस्तान में या बाहर लोगों को पता नहीं चलता था असल बात का, क्योंकि वहाँ से बात बाहर आती थी जो जाली लीडर हैं जो पाकिस्तान ने इंस्टॉल किए हुए थे वहाँ पे प्रो पाकिस्तानी, या जो उन्होंने जो बनाए गए थे अपने एजेंसियों की पैदावार, उनको ही वो पेश करते हैं पाकिस्तान के अखबारात और मीडिया में। तो लगता ऐसे है कि जैसे वहाँ कोई दूसरा एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये मैं आपको बता दूँ कि वहाँ एक थर्ड ओपिनियन है और बहुत वसी पैमाने पर है, और अगर वहाँ पर किसी वक्त भी बिल्कुल ही फेयर गारंटीड किस्म के डेमोक्रेटिक प्रोसेस आएगा तो ये लोग आगे आ सकते हैं। इनको इसलिए आगे नहीं आने दिया जाता कि एक तो उनके खिलाफ़ डिस्क्रिमिनेटोरी लॉज हैं, मसलन ये है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो उनको एक बयान अल्फी देना पड़ता है कि मैं पाकिस्तान की जो सलामती और इंटेग्रिटी और अला के पाकिस्तान यानी एक्सेशन टू पाकिस्तान का हामी हूँ, जो कि वो हामी नहीं, तो इसलिए वो बयान अल्फी दे के इलेक्शन में आ नहीं सकते। तो इलेक्शन में जो आ नहीं सकते तो इसलिए लगता ये है कि जो वहाँ की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है उसमें और कोई है ही नहीं, हालांकि एक बहुत बड़ी तादाद है जिसको इलेक्शन प्रोसेस से डिस्क्रिमिनेटोरी लॉज के ज़रिए जो है वो बाहर रखा गया है। यानी डेमोक्रेसी फेक है, डेमोक्रेसी के नाम पे एक ड्रामा है। जिस दिन भी फेयर डेमोक्रेसी वहाँ पे आएगी आपको बिल्कुल मुख्तलिफ लोग नज़र आएंगे। ने कहा कि जिस वक्त भी फेयर डेमोक्रेसी नज़र आएगी बिल्कुल मुख्तलिफ लोग नज़र आएंगे, इस बात के इम्कानात कितने हैं, और ख़ास तौर पर जब हम कोरोना वायरस पेंडेमिक के दिनों में सूरत हाल देख रहे हैं, तो क्या ये जो एक तरह की ग्रीवियंसेस हैं बढ़ेंगी महरूमियों की बुनियाद पर? नहीं, ये महरूमियाँ तो सिर्फ एक कोरोना नहीं, कोई भी क्राइसिस जब आते हैं ना, देखें आज़ाद कश्मीर अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा खिता बन गया है जिसका मैंने ये कहा कि उनके पास जो वसाइल हैं उन पर उनका इख्तियार नहीं है, जो हमारी सो कॉल्ड हुकूमतें हैं वो ना उनको वहाँ पे हक के मलकियत है ना हक के हुक्मरानी है, लेकिन उनको एक बना के पेश किया गया कि नहीं जी ये खुद ही सब हैं। लेकिन वहाँ जब भी कोई इस तरह के क्राइसिस आते हैं तो बाहर से जो इमदाद जाती है, मसलन आपको याद है कि जलजला जो आया था वहाँ पे इतना खौफनाक किस्म का, उसमें कितने बड़ी तादाद में जो नुकसान हुआ था, उसमें आप साफ़ी हैं, आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कितना एक पैसा या रोल, बल्कि उस बुनियाद उस ट्रेजेडी को बुनियाद बना के तो वहाँ के हुक्मरानों ने और लीडरों ने अपने लिए जो है वो 20-20 साल का खर्चा इकट्ठा कर लिया, करप्शन की इंतहा कर दी। वो जो पैसे वहाँ पे आए थे, आपको ये बिल्डिंगें नज़र आती हैं और सड़कें और ये चीज़ें जो री कंस्ट्रक्ट हुई है सारा, ये सब पैसा बाहर से आया, कोई अरब रियासतों ने गिफ्ट किया, कोई कहीं से बाहर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने दिया, कोई इंटरनेशनल जो फंड्स हैं और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने दिया, और उस बुनियाद पर अब वहाँ पर जो है आप ये देखेंगे जब मकामी तौर पर आपके पास कुछ भी नहीं है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई रोज़गार है, ना कोई फ्यूचर है, लोग बाहर जो ही एक बच्चा जो है वो 17-18 साल का होता है तो पहला काम ये करता है कि वो पासपोर्ट बनवाता है, और उसने देखना होता है कि वो सऊदी अरब में जाए या यमन में जाए या बहरीन में जाए, जो मुल्क कहीं भी जहाँ वो जा सकता है लेकिन वहाँ से जाए, और जो पासपोर्ट नहीं बना सकता उसने जाके कराची से पेशावर तक और पेशावर से लाहौर तक जो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स हैं, कैफेटेरियाज हैं, बेकरियां हैं, इन पे काम करना होता है। किसी जगह पे जाएंगे आप, लाहौर में आपने देखा होगा कोई ऐसी बेकरी नहीं जिसमें आज़ाद कश्मीर के लड़के काम ना करते हों, कोई ऐसा रेस्टोरेंट होटल नहीं है जिस पे जो है वो बर्तन ना मांजते हों। तो ये उनका एक सील्ड किस्म का फेट बन गई है, बना दिया हुक्मरानों ने, जिसमें वो कोई तब्दीली के सोचते ही नहीं, मसलन वहाँ रोज़गार का मसला कोई एड्रेस भी नहीं करता, एक भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जिसके मंशूर में कोई वाजे तौर पे कोई ब्लू प्रिंट हो के आज़ाद कश्मीर में के लोगों को रोज़गार कैसे दिया जाए। इसके बजाय उन्होंने इसको एज ए हकीकत तस्लीम कर लिया है कि इन लोगों को बाहर भेजना है और इनके ज़रिए ज़र्रे मुबादला कमाना है, और दो दो साल तीन तीन साल बाद लोग वापस आके अपने बीवी बच्चों से मिलते हैं,
यानी गैर इंसानी ज़िंदगी है। चलें जो लोग यूरोप में रहते हैं या नॉर्थ अमेरिका में, उनकी फैमिली साथ होती हैं, लेकिन मिडल ईस्ट वगैरह में जो लोग काम करते हैं वो कैदियों की ज़िंदगी गुजारते हैं, जिला वतन और कैदी। वो अपने बीवी बच्चों से दूर दो दो तीन तीन साल मजदूरियाँ करते हैं, और वहाँ पर कोई इस तरह का सिस्टम ही नहीं है कि इनको किस तरीके से ये जो अजाब मसलसल है, एक लाश है, इससे बचाया जाए। कोई सोच ही नहीं रहा इसके बारे में, तो ये प्रॉब्लम है सर। तो बशानी साहब, अब जो इस वक्त की सूरत हाल है, ख़ास तौर पर जब ये प्रोटेस्ट सामने आए जैसे ही कोरोना वायरस पेंडेमिक फैला, कि भाई आज़ाद कश्मीर ख़ास तौर पर मीरपुर में कोरोना वायरस के पॉजिटिव पेशेंट भेजे जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा एलिगेशन था। इस पर प्रोटेस्ट जो हुए, आपकी नज़र पड़ी होगी, तो क्या इन्फॉर्मेशन है, आपका रबता भी रहता है, बहुत सारे दोस्त हैं आपके वहाँ पर, कि क्या वाकई कोई ऐसी डिलिब्रेट कोशिश थी स्टेट ऑफ पाकिस्तान की कि पॉजिटिव केसेस को इधर भेज दिया जाए? देखें जी, ये तो फिर मीरपुर में आपने खुद जुलूस देखे हैं जो मकामी लोगों ने निकाले हैं, और मकामी लोगों ने बाकायदा नामिनेट किया कि कौन कौन लोग बाहर से आए हैं और कहाँ कहाँ पर उनको रखा जा रहा है। इसी तरह जो है वो इसी तरह की एक सिचुएशन आज़ाद कश्मीर, दूसरा इलाका जो पुंछ रावलाकोट है, वहाँ से भी इस तरह की आवाज़ें उठी हैं, मुजफ्फराबाद से भी उठी हैं। तो जाहिर है कि ये कोई मैज एलिगेशन नहीं है। अगर वहाँ पे है, चूँकि वहाँ की जो सोसाइटी है उसमें कोई भी अजनबी आदमी जाएगा, बाहर का आदमी जाएगा, तो वो सामने पहचाना जाता है, चूँकि वो सोसाइटी इस तरह है कि लोग एक दूसरे को जानते हैं बाई फेस, हर बंदा दूसरे से कोई ताल्लुक होता है। तो वो इस तरह का अजनबी आदमी जो ही वहाँ गया ये कोरोना के हवाले से, अब उसके मुख्तलिफ लोगों ने दलीलें दी। कुछ ने कहा जी वहाँ पे रेस्ट हाउस खाली पड़े थे, तो वो रेस्ट हाउस जो है वो कुछ लोगों ने रेंट किए, और वहाँ पे जो खुशहाल किस्म के लोग थे पंजाब के, जिनको आइसोलेशन या क्वारंटीन की ज़रूरत थी, वो जाके तो उन्होंने वहाँ पर आराम करने की कोशिश की। तो जब ये बात ज़्यादा लीक हो गई तो वहाँ से उनको निकाला गया। लेकिन इस पे अभी मैं टू टेल यू द ट्रूथ के पूरे फैक्ट्स और फिगर्स जो हैं वो देखे बगैर मैं कोई हतमी राय नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूं कि इस पे मेरी पूरी वहाँ की रिपोर्ट आए, ताकि इसमें पता चले कि अगर बाहर से लोग भेजे गए थे तो कितने थे और उनकी इंटेंशन क्या थी। क्या इसलिए, चूँकि मीरपुर में एक और देखें ना, बात यह है एक बड़ा इलाका आपको नज़र आएगा जहाँ पे बड़ी बड़ी लोगों ने कोठियाँ बनाई हुई हैं, जो खुद बाहर लंदन में काम करते हैं यानी इंग्लैंड में, और उनके घर खाली पड़े हुए। तो मुमकिन है किसी के जहन में ये आया हो कि इतनी बड़ी तादाद में खाली जो बिल्डिंग्स हैं और प्लेसेस हैं, इनको इस तरीके से यूज़ करके तो लोगों को वहाँ क्वारंटीन पे भेजा जाए, ताकि पाकिस्तान में इसको वायरस को कंटेन किया जाए और उस जगह से भी फ़ायदा उठाया जाए। दिस कुड बी ए पॉसिबिलिटी। लेकिन इसका पूरा हकीकत जो है वो हम मालूम करके आपसे शेयर करेंगे कि इस कहानी की जड़ क्या थी और इसका एंड क्या है। बिल्कुल सही है, बहुत फेयर बात है। इन्हीं दिनों एक और सूरत हाल भी बशानी साहब डेवलप हुई कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन है, मगर हमने इन्हीं दिनों चंद इनफिल्ट्रेशन के वाकयात भी सुने, जो यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके लोग भारत की तरफ जाने की कोशिश की। वहाँ भारतीय सरकार का ये कहना है कि वो कुछ टेररिस्ट थे, उन्होंने न्यूट्रलाइज़ किए। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि इन हालात से फ़ायदा उठाते हुए लश्करे तैबा, अब वैसे ये तंजीम इस नाम से हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये असल तो कार्रवाई है। तो कोई भी मतलब जहादी कार्रवाई करने वाले जो लोग हैं इस तरफ से, तो क्या आपको लगता है कि ऐसी भी कोई एफर्ट्स हुई थी या और हो सकती हैं? नहीं, मुझको लगता नहीं है, बल्कि मेरे पास इसके बाकायदा सर, मैं आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे सकता हूं कि ये जो प्रोसेस हुआ है 5 अगस्त के बाद, तो ये एक ड्रास्टिक किस्म का एक्शन था मोदी साहब की तरफ से, जो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मेरा मकसद इसके पीछे ये था कि ये जो लोकल पॉपुलेशन ऑफ जम्मू कश्मीर है, इंडियन साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पर पॉपुलेशन को मिलिटेंटों ने यरगमाल बनाया हुआ था, और ये जो सियासतदान थे ये चूँकि नायल थे, तो ये मिलिटेंटों के खौफ से या उनके साथ मिल के तो इस यरगमालियत की हालत को प्रोलॉन्ग कर रहे थे। इसलिए हमने ये ड्रास्टिक एक्शन लिया ताकि लोगों को आज़ाद कराया जाए, जिसका एक बड़ा मतलब ये था कि अब इनके लिए लाजम था
मोदी साहब के लिए, उनके रुफका के लिए और वहाँ के जो मिलिट्री और पैरा मिलिट्री फोर्सेज हैं वो यकीनी बनाएं कि वहाँ पे कोई मिलिटेंसी नहीं हो रही है, क्योंकि वो एक अब यूनियन टेरिटोरी है ना, आपने किसी के थ्रू तो अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करने, अब तो डायरेक्ट आपकी अमलदारी है। लेकिन मैंने जो देखा है कि जनवरी से लेकर आज तक वो मैं जमा कर रहा था टोटल, तो तकरीबन 35 मिलिटेंट जो हैं वो वहाँ पर मारे गए, और जो मुख्तलिफ गाँवों में कस्बों में इधर उधर उनकी झड़पें हुई सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, वो पूरे तरीके से मसल्ला लोग थे जिनके पास असला था, और उन्होंने अपने वो नाउन किस्म के हिजबुल मुजाहिदीन के फाइटर थे, और इस तरीके से उनको सेलिब्रेट किया गया आफ्टर डेथ, और ऑन किया गया हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ से कि ये हमारे लोग हैं जो मारे गए। और हिजबुल मुजाहिदीन का जो हेड ऑफ द चीफ है वो मुजफ्फराबाद कैपिटल सिटी में बैठा हुआ है सैयद सलाउद्दीन के नाम से, ठीक है ना। तो आप अगर ये कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पे कोई जो कश्मीरी इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं या जो गड़बड़ हो रही है वो बंद हो गई बिकॉज वहाँ का स्टेटस चेंज हो गया था, तो ऐसी कोई बात नहीं। ये दोनों काम जो हैं वो मिलिटेंसी का काम उसी तरह जारी है, और दूसरी तरफ इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो फायरिंग का तबादला आज भी हुआ है, आप ये देखेंगे पूरी दुनिया कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मसरूफ़ है और एक खौफ और हरास का आलम है। ये दुनिया का मैं समझता हूँ कि दूसरी जंग अजीम के बाद का एक बड़ा वाकया है जिसका एक ग्रेट ग्रेट इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन वहाँ पर तोपें चल रही और वहाँ पर आज मैं देख रहा था कि दोनों तरफ से जो कैजुअल्टीज हुई हैं, कुछ लोग उधर मारे गए कुछ लोग इधर मारे गए, और वहाँ पे ये जो फायरिंग के वाकयात होते हैं इसके दौरान जो मकामी आबादी है वो आपको पता है कि उनका क्या अशर होता है कि उनको जो है एक ग्रुप की शक्ल में जाके तो बैंकर्स में पनाह लेनी पड़ती है, जो उनको हुक्म है दोनों तरफ से कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो आप अपनी जान बचाने के लिए बैंकर्स में घुस जाएँ, रात लोग बैंकर्स में गुजारते हैं। तो आप क्या सोच सकते हैं कि अगर कोरोना जैसी कोई सिचुएशन वहाँ पे हो, ऊपर से ये मामला है, तो उसको फिर किस तरीके से ये हमारे हुक्मरान देख रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा असल कोरोना जो है वो ये लोग हैं जनाब, हमारे पॉलिसी मेकर्स और जिनके हाथ में इख्तियार हैं। जी, आपने कहा कि हमारे असल कोरोना जो हैं ये पॉलिसी मेकर्स हैं अनफॉर्चुनेटली। मैं आखिर में एक और चीज़ बशाही साहब आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, आपकी राय लेना चाहता हूँ कि इसी कोरोना वायरस पेंडेमिक के दिनों में एक इंतहाई ज़ालमाना सुइसाइड अटैक सिख गुरुद्वारे पर अफ़गानिस्तान में हुआ, मगर उसका भी जो ताना बाना है वो असलम फारूकी लश्कर तैबा के लोगों से जाकर मिलता है। हिंदुस्तान के केराला के कुछ एक्सट्रीमिस्ट बच्चे जाते हैं, ट्रेंड होते हैं कश्मीर जहाद के लिए, और उनमें से एक सुइसाइड बॉम्बिंग करता है। प्लानिंग के बारे में अब वाज़े तौर पर कहा जा रहा है कि वो असलम फारूकी है, एक जानी पहचानी लश्कर तैयबा की हस्ती हैं, अगरचे पाकिस्तान के वजारत खारजा के दफ्तर ने इसकी तरदीद की है। तो इस सिलसिले में आपकी नज़र भी रही होगी कि वही इतना बड़ा चैलेंज इस पूरे प्लानट को दरपेश है, मगर वहाँ पे सुइसाइड धमाका होता है, 25 से जायद सिख शहीद हो जाते हैं और कई ज़ख्मी होते हैं, और उसके बाद उसका ताना माना फिर कश्मीर से जाकर मिलता है। ये सूरत हाल क्या है? नहीं, इसमें ताना माना मिलाने की ज़रूरत क्या है सर? ये एक लोग हैं और उनका एक जो है वो एजेंडा है। ये सीधी सीधी बात है कि अफगानिस्तान से लेके तो अगर केरला में या कश्मीर में या आज़ाद कश्मीर में या कहीं भी जो गन उठाता है मिलिटेंसी की बात करता है, और वो भी इस्लाम और मज़हब के नाम पे, किसी कौमी आज़ादी के नाम पे नहीं या किसी जो है हुकूक की लड़ाई के नाम पे नहीं, तो उनका आपस में बहुत ही गहरा नज़रियाती और तंजीमी ताल्लुक है। अंदर से ये बिल्कुल एक लोग हैं, ये एक दूसरे को फैसिलिटेट करते हैं। और इसका आप ये देख लें कि अब एक बंदे को केरला से उठ के इतना बड़ी इलाका क्रॉस करके तो जाके अफगानिस्तान में सिखों को मारने की क्या ज़रूरत थी? यानी यही काम, अगर उसने कोई सिख ही मारने थे तो हिंदुस्तान में सिखों की कोई तादाद कम है? अब ये क्या चीज़ है? ये उनका एक ऑर्गेनाइजेशनल ढांचा शो करता है कि ये तालिबान हो गए, पाकिस्तानी तालिबान हो गए,
ये कश्मीर में लड़ने वाली लश्कर तैयबा हो गई, हिजबुल मुजाहिदीन हो गई, ये सारे लोग जो हैं ये एक ही किस्म के लोग हैं जिनके नज़रियाती और जो उनके अस्करी आपस में रबते हैं वो एक दूसरे को फैसिलिटेट करते हैं। और कश्मीर में जो कुछ हुआ था, आज जो सिचुएशन है, उसके पीछे भी एक सबसे बड़ा फैक्टर यही था कि ये मिलिटेंट बाहर से वहाँ पे दाखिल किए गए थे, अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से, बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया से। उसमें कहीं अरब भी थे और दूसरे इस तरह के क्रिमिनल लोग भी थे जो अपनी अपनी जेलों से भागे हुए थे या उनको अरब दुनिया में सजाए मौत वगैरह हुई थी। तो कश्मीर में जो इनिशियल मिलिटेंसी थी उसमें उनका एक बहुत बड़ा रोल था, जिसकी वजह से ये सारा खून खराबा वहाँ पर शुरू हुआ। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये बुनियादी तौर पे इनके अपने अपने ज़रूर नाम हैं ग्रुपों के, लेकिन ऑन लार्जर स्केल इनका नैरेटिव एक है, इनका मकसद एक है और इनका दुश्मन मुश्तरक है। साहब, दुश्मन इनका है अमन, जी अमन शांति, बिल्कुल ठीक है। आखिर में आज के आपके थर्ड ओपिनियन के शो में अगर कोई बात आप समझते हों कि जो हम मिस कर रहे हैं आज की इस बातचीत में, क्या कोई बात शामिल करना चाहेंगे? देखें सर, बातें सारी हो गई, बस ये है कि कोरोना के हवाले से मैं ये कह रहा हूँ कि इसका एक इसके बाद का जो मैं वक्त इस वक्त देख रहा हूँ वो मेरे नज़दीक एक बहुत ही क्रिटिकल टाइम है, कि उसमें जो अमन पसंद कुफते हैं दुनिया में और जो गैर ज़रूरी लड़ाइयों को, नफ़रतों को और इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को पसंद नहीं करते, या ये वो इस बात का शौर रखते हैं कि इंसानियत की असल दुश्मन कुफ्तें जो हैं इन्हीं चीज़ों के पीछे हैं, तो मेरे ख्याल में ये उनके लिए एक सुनहरी मौका है कि वो अपने अपने इलाके में अपने अपने जहाँ कहीं भी वो फाल करते हैं वहाँ अवाम को इसमें शामिल करें कि इंसान की बका और इंसान का असल जो तहफ़ है, उसकी जो प्रोटेक्शन है, वो इस तरह की लड़ाइयों में नहीं है बल्कि इंसानी ज़िंदगी बचाने वाली चीज़ों और उसके सामान में है, जैसा कि हमें आज उसका सामना है कि पाकिस्तान में देखें अभी वहाँ पे तादाद ही क्या है कोरोना वालों की। अभी तो मेरे ख्याल में उसकी शुरुआत हुई है, लेकिन हुक्मरान तबकात में जो खौफ हरास है और उनकी जो बेबसी है वो हमारे सामने है। बहुत शुक्रिया बशानी साहब, मेरा ख्याल है आज काफ़ी सहर हासिल बातचीत रही और हम तोको करते हैं कि बहुत जल्द जब ये सूरत हाल नॉर्मलाइज़ हो कोरोना पेंडेमिक की, तो हम उसी तरह फ़ेस टू फेस स्टूडियो में बैठकर बातचीत करें, मगर हमारी कोशिश होगी तब तक हम अपना पैगाम ना रोकें, हम अपनी खबर ना रोकें। बहुत शुक्रिया बशानी साहब। ओके, थैंक यू। इन थर्ड ओपिनियन में आप ब्रिस्टर हमीद बशानी साहब की आवाज़ सुन रहे थे और उनकी जो बेबाक राय होती है वो हमेशा आप तक पहुंचती है, और ना सिर्फ बेबाक राय बल्कि बिल्कुल क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ वो अपनी बातचीत पेश करते हैं और पेश करते रहेंगे। थर्ड ओपिनियन ब्रिस्टर हमीद बशानी साहब के साथ देखने का बहुत शुक्रिया। मैं इसको फैसिलिटेट कर रहा था। टैग टीवी आप बग़ैर किसी वक्फे के वॉच करते रहिए, जैसे भी चैलेंजिंग हालात हों हम अपने काम को जारी रखेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्कार, सत श्री अकाल। सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।